बच्चे कैसे देख रहे हैं मेरे को। हाँ रिद्धु रिद्धि कैसे देख रही है। रिद्धु अभी हम लोग जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस क्योंकि मुझे मेरा पासपोर्ट बनाना था। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लान इन द सेंस मतलब कभी भी हम ऐसा कुछ प्लान हो भी जाता है कहीं जाने का तो एक पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। हम सोच रहे थे कहीं जाने का भी, आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा अगर पॉसिबल हुआ तो। बट मुद्दा ये है कि अगर प्लान बन भी जाता है तो मेरे पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। मेरा नहीं था, इनके पास ऑलरेडी है, तो इसीलिए आज मेरे पासपोर्ट की डेट थी जो पासपोर्ट ऑफिस जाना है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और साथ में मेरे साथ जा रही है रिद्धि भाई सर और रिद्धि सर। रिद्धि रिद्धि को कौन बनाऊंगा हाल में पासपोर्ट क्यों और इन तो मैं यही ले जाऊंगा इन्हें तारों के नीचे ले जाऊंगा इन। अच्छा तारों के नीचे से रिद्धि ने रुद्र ने मैं तारों को नीचे ले जाऊंगा, इनके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो नहीं हम रिद्धि रुद्र का भी पासपोर्ट बनवाएंगे जल्दी। क्या लेगा ये गियर को हाथ लगाने की कोशिश कर रही है, इसके पापा गियर लगा रहे हैं ना बार बार, तो ये उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसको बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ने की, नई नई चीजों को लेने की वो रहती है ना रिद्धु। कोई भी नई चीज इसके सामने आती है ना जब तो ये उसकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट होती है, फोन ले उसको चाहिए वो चीज। नहीं नो मैं सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट लियो ही को पासपोर्ट को। पिछली बार जो इनकी अपॉइंटमेंट डेट आई पासपोर्ट की वह 20 तारीख आई और 21 तारीख में उन्होंने अरे पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट डेट ही न कद की ही। मैंने कहा कद की कहीं, मैंने कहा 20 तारीख की 21 तारीख हो गई आज तो। फिर वापस दोबारा ली, मैंने कहा आज तो चल चल देवी आज मैं जबरदस्ती जा रही इन्हें लेट धक्का कहता। और अबार भी इनकी टाइमिंग जो है ना अपॉइंटमेंट डेट की वह है 2:15 की और अबार बज रहे 2 कुछ नहीं 2 बज वाला ही है 2 मिनट बाकी हम लोग पासपोर्ट ऑफिस तो आ गए। मेरा और संजू मेरा अभी पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं और उस पर तो आ रहे हैं। तब तक मैं और रिद्धु ऊपर आ गए ऑफिस के बाहर, भयंकर गर्मी हो गई ऊपर से स्कूल लेके चढ़ी ना ज़्यादा गर्मी लग रही है। रिद्धु ये क्या मेरी एक मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी करा के ला रहे हैं। हम करेक्ट 2 बजे पहुँच गए और अभी 15 मिनट हैं, तो ये बोले तब तक तू चल मैं फ़ोटो कॉपी करा के लाता हूँ। तो इन्होंने तो बोलता भारी खड़े थे पर मैं ऊपर आ गई है ना, ये देख रही है लोगों को मैं कहाँ आ गई। तो मेरा पासपोर्ट का सारा जितना भी काम था ना सब हो गया। ये बोल रहे थे 1 घंटा लगेगा बट आधा घंटा ही लगा। मैंने इनको बोला था कि ना क्योंकि रिद्धि परेशान हो जाएगी तो मैंने इनको बोला था कि आप ना गाड़ी में उसको लेके चले जाओ, तो गाड़ी में उसके पास है रिद्धि के पास। ये बोले बाहर आ जा, तो काम तो हो गया। वो बोले पासपोर्ट घर आ जाएगा, सारे जो भी डिटेल्स वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज थी सब पूरी हो गई, मैं बाहर जा रही हूँ। ये बोले अरे इतनी जल्दी तेरा काम हो गया, मेरे को तो पूरा 1 घंटा लगा था। मैंने कहा हो गया तो हो गया, अब फटाफट मेरे रिद्धु से मिलूंगी। मेरी बेटी गाड़ी चला रही है भाई। मम्मा लो को पीछे देखो। रखो आ गई मम्मा। रिद्धु टिन्नू मेरी टिन्नू गाड़ी चलाना सीख रही है भाई। अरे वाह माँ तो सीखी नहीं बेटी सीखी। माँ तो सीखी नहीं बेटी तो सीखी कम से कम है ना बेटा। जल्दी आई भाई देखा हम जा जाते हैं वहाँ समय कम लगता है फटाफट। मैंने गार्ड साहब से पूछा तो वो बोले कंट्रोवर्ट लगेगा, अभी बच्ची हो रही वहाँ पे परेशान हूँ, भयंकर उमस हो रखी वहाँ पे गैलरी के अंदर। तो मैंने कहा भाई तू चल गाड़ी के अंदर चलते हैं। सही किया तो आके बैठ गए फिर हम। देखो हाँ बेटे गियर फर्स्ट गियर लगाओ, चलो चलो मैं सिखाता हूँ आपको ठीक है बेटो। देखो सुनो मेरी बात, पहले पुच्ची देते हैं फिर फर्स्ट गियर ऐसे यहाँ से पकड़ते हैं, ये फर्स्ट गियर लग गया ठीक है, आपके पैर तो पहुंचेंगे नहीं इसलिए मैं ही चला देता हूँ। देखो मेरी बेबी की गाड़ी चली भूम ड्रूम 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 ड्रूम, मैंने पकड़ रखा वैसे रितु देख बोली पापा। अच्छा बोली पापा मेरा बेटा, अच्छा बोली अभी पापा बस लाओ मुझे दे दो अभी इसको हो गया बस। आ जा रितु पापा ड्राइव करेंगे। आज के लिए पापा बोलने लग गई पापा।
खोल रही हूँ। इसको रद्दी को सुला देना पीछे। पासपोर्ट का तो काम हो गया था, उसके बाद ये बोले चल कुछ खाएगी क्या? मैंने कहा नहीं, घर से खाना ही खाएंगे। फिर बोले चल कोल्ड कॉफी पी लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तुम स्टैचू सर्किल आ गए और रिद्धि के भूखी हो गई थी, तो फिर मैंने इसे आते अपना फीड कराया। मेरा फीड करते करते ये सो गई और अभी ये पेटीज लेके आए, बोले पेटीज खाते और कोल्ड कॉफी पियेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये ले आई कोल्ड कॉफी। हाँ भाई। और ये रही मेरी कोल्ड कॉफी, मैंने यहाँ रख दी क्योंकि मेरे पास रिद्धि है। और ये रही हमारी पेटीज। भाई भूख लग रही है बहुत तेज। मेरी चांस हो गया। रिद्धि सो गई भाई। परेशान हो गई थी गर्मी में। खैर गर्मी तो नहीं थी, गाड़ी में बैठी थी आराम। पता क्या कर रहा है? ये देखो, दिख रहा है? ये ऐसे करता है, कोई भी चीज हो उसकी आंट में ये अंगूठा पीता है। तो अब इसने ओढ़नी ले ली। पहले तो इसने मुंह में, मेरी ओढ़नी के साइड में अंगूठा छूता था। गंदा बच्चा। तो अभी होगी शाम और हमने सोचा बच्चों को छत पे लेके चलते हैं, क्योंकि पार्क में पॉसिबल नहीं है। डेली रेगुलर बारिश हो रही है, इनफैक्ट अभी भी थोड़ी देर पहले हुई थी। ऐसे में पार्क में मच्छर हैं और बारिश का मौसम है तो घास वगैरह भी गीली रहती है, तो हम अवॉइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई हम लोग छत पे जा रहे हैं। चलो टिंगे। अपनी चेयर पे सो रही थी, हाई चेयर पे, और उस पे ना इसको देखो गाल पे ना मच्छर खा गया। ये देखो इसके गाल पे मच्छर खा गया, मच्छर खा गया। पिट्टी पिट्टी खा देंगे। डिशम 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 डिशम। अरे इससे थोड़ी सी बातें करो, ये हंसने के लिए रेडी रहती है। पार्क तो छोड़ो, मुझे लगता है छत पे जाना भी हमारा कैंसिल होने वाला है, क्योंकि अभी इन्होंने बोला कि तू मोटी ऊपर जाने की तो सोच रही है। ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, छत पे। कह रहे मोटी तू ऊपर छत पे जाने की तो सोच रही है, पर बाहर बारिश आ रही है। अगर बारिश आई तो फिर नहीं जाएंगे, बच्चों को लेकर बीमार हो जाएंगे। देखो आ रही है मम्मी, देखो छाटा आ रहा है, हल्के हल्के छाटे आ रहे हैं, जो कि आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहे क्योंकि शाम हो गई है ना। ये बाइक इनकी, ये जो बाइक है ना, ये 10-11 साल पुरानी है। पहली बाइक है जो इनके दादोसा ने इनको दिलाई थी और स्टिल अभी तक है। तो अभी ये क्या मतलब चलती नहीं है, थोड़ी इसमें खराबी हो गई है, बट फिर भी इन्होंने इसको संभाल के रखा बिकॉज ये इनके दादोसा ने दिलाई थी। ये यूज़ में नहीं आती, बस खड़ी हुई है। मतलब इस बार सही में लग रहा है कि सावन है, क्योंकि वरना हर बार क्या होता है पूरा सावन चला जाता है। सावन मुश्किल से गिनती से, वैसे तो सावन के आगे पीछे बारिश होती है, बट जब सावन चल रहा होता है ना गिनती से एक दो बारिश होती है। बट इस बार सही मायने में सावन चल रहा है, डेली बारिश हो रही है। धूप धूप नजर ना लगे इस मौसम को, लग रहा है कि हाँ सावन का महीना चल रहा है। डेली पता क्या होता है, सुबह बारिश होती है, शाम को होती है और दोपहर को ना धूप निकल जाती है। अभी हम जब पासपोर्ट ऑफिस में गए थे ना, तब उस टाइम धूप निकल गई थी, बट जब हम वापस आ रहे थे ना तो बारिश का मौसम हो गया और एक नंबर मौसम है। अरे अरे अरे, अब देखना रिद्धि क्या करेगी। मैं इसको रुद्र को दे दूंगी, उसे छीन लेगी। रुद्र लो, आप ले लो। ये देखा देखा देखा, हो गए खुद के खिलौने तो गए। देखो मैंने कहा था ना, दे लिया ना इसने। ये ऐसे करती है, खुद के खिलौने से खेल रही थी ना, खुद का तो रख दिया। अब देखो छीन लेगी रुद्र से, और मेरा रुद्र इतना बोला है वो कुछ कहता ही नहीं इसको। देखो मुंह बना रही। मस्त मौसम हो रहा भाई। हमारे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, सांस ऊपर चढ़ गया मेरा। गब्बर आ जा, हमारे गब्बू को बड़ा अच्छा लगता है छत पे घूमना। हमारे नीचे जितने पेड़ थे ना ये, उनको सबको यहाँ लाके रख दिया। मस्त हो रहे है ना। अभी अपन एक काम करेंगे, इधर की साइड में और लगाएंगे गमले। उद्दू आहा, देखो ठंडी ठंडी आवाज। गब्बू कुछ ढूंढ रहा है खाने को, कुछ मिल जाए। छोटी बच्ची हो क्या? हर बात पे रो देती हो। छोटी बच्ची हो क्या? दो दो छोटी बच्ची हो क्या? ये गब्बू को देख रही है, गब्बू क्या कर रहा है। इसको गब्बू पे पूरा फोकस रहता है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनली ये एनिमल लवर बनेगी। इसको डॉग्स कैट ये बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जिस तरह से इसका इंटरेस्ट है ना गब्बू में, इसको देख के हंसती है, बातें करती है। हमारा रुद्र नहीं करता, पर रिद्धि करती है। रुद्र डर जाता है, पर रिद्धि के इसको देख के बातें करती है।
बार हो रही है बारिश, माँ का गबून तो बारिश हो कोई दिक्कत है को नहीं। हाँ। जना मैं माए ना आ रहा था चटाई डाली भी के नीचे बाहर के, मतलब वैसे ज्यादा बहुत एकदम कोई इक्की दुखी बूंदाबांदी हो रही है, बट के एक एक करके भी बहुत सारी रहती है, बच्चों का सर गीला उला हो जाए इसलिए को तो खोपड़ी में पेली बाल को ने समंदर नाल में आके यहाँ बैठ गए। बहुत से लोग बोलेंगे नाल क्या होता है, नाल का मतलब पेड़िया। हाँ, नाल का मतलब सिड्डियाँ, जो सिड्डियाँ पेड़िया जो भी बोलते हैं आप लोगों की लैंग्वेज में, तो मारवाड़ी में नाल कहते हैं सिड्डियों को, तो हम यहाँ अंदर बैठे। और इंग्लिश में स्टेयर्स भी बोलते हैं ना। हाँ, इंग्लिश में स्टेयर्स भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ चटाई बिछा ली और सबसे अच्छी चीज है हमारे पेड़ों की वजह से ना हवा आ रही है थोड़ी, तो दोनों बच्चों को हमने आराम से चटाई में बैठा दिया। मेरे रुद्र को ना, मेरे रुद्र को बिल्कुल भी भूख सहन नहीं होती इसलिए रो रहा है, क्योंकि अब शांत हो जाएगा खाएगा ना। बट ना हम मतलब बच्चे को ना तभी खिलाते जब बहुत भूखा हो, वरना ये छोड़ देते हैं हमेशा, तो इसलिए मैं सॉलिड फूड तभी खिलाते जब अच्छे से भूखे हो। अभी अच्छे से भूखे हैं, ठीक है, और अभी अराउंड 7 बजने वाले 7 के करीब, तो हम इनको सॉलिड फूड खिला रहे हैं हम। और दोनों बच्चों को हम अलग अलग खिलाते हैं, एक को मम्मी खिलाती है, एक को मैं खिलाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दो बच्चों को एक जना एक साथ नहीं खिला सकता और दोनों बच्चे एक साथ भूखे हो जाते हैं, तो मैं रिद्धि को खिलाऊंगी। ये लड़की इतनी शैतान है, ये रुद्र की पता क्या, देखो ये पातड़ियां ले रही है, इधर ये पातड़ियां लेने के लिए घर से आ रही है, गले का है ना इसको पकड़ती है बार बार, बहुत ही बमास है ये, देख फिर आएगी, फिर देखो देखो रिद्धु पिटाई कर देगी मम्मा, भैया उसके लग जाएगी, देख फिर आ गई। ये बच्चा फुल एक्साइटेड है, सोच रहे रिद्धु रिद्धु बेटा उसकी पातड़ियां जो छीन रही है तू, बेटा भैया है वो। तो देखो फिर गई मेरी गप्पू, रिद्धु की शक्ति नोटिस किया, वहां थी ये रुद्र के पास आ गई एकदम, ये देखो देखो किसी पे पड़ेगी ऐसा लग रहा है, टिशुम 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 रुद्र टिशुम 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 टिशुम। मैंने रिद्धि को वापस यहाँ बैठा दिया, अब ये कूदेगी। अब ये मेंढक है ना, फुदकती फुदकती वहां से अभी वहां पहुंच जाएगी। ओ, पहुंच गई। यार इतनी स्पीड से पहुंच गई।